आगामी विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। आज मदन कौशिक हरिद्वार रोशनाबाद कलेक्ट्रेट भवन पहुंचे, जहां पर उन्होंने हरिद्वार सीट से नामांकन दाखिल किया। लेकिन इस बार विकास को लेकर उनकी क्या कुछ मुख्य प्राथमिकता रहने वाली, इस दौरान हमारे संवाददाता विकास खरे ने मदन कौशिक से खास बातचीत की। देखिये, आगामी विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और आज हरिद्वार सीट से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक नामांकन करने पहुंचे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बात करें तो इस बार पांच बार प्रत्याशी हरिद्वार से, इस बार क्या कुछ मुख्य उद्देश्य है और किस तरह से प्राथमिकता आपकी रहेगी विकास को लेकर? हरिद्वार एक डेवलप्ड शहर हमने बनाया है। हरिद्वार में हमारे जो आस्था लेकर हमारे यात्री आते हैं, उनको एक दिन और रोका जाए, इसके लिए जो हमें आवश्यक हरिद्वार के लिए है, जैसा राजाजी पार्क हमने तीन स्थान से खोला है, उसको आकर्षक बनाना, बावन शक्तिपीठ का निर्माण करना, हरिद्वार दर्शन के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट है उसको कराना, बाकी जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज है, रिंग रोड है, सब चल ही रहे हैं, तो निश्चित रूप से अगले पांच साल में सारी चीजें हम पूरी करेंगे। काफी विकास आपने हरिद्वार में क्या है, अब विकास को लेकर क्या कुछ नया मुद्दा रहेगा? एक अच्छा शहर हमने बनाया है, एक सुंदर शहर बनाया है, लोगों में एक अच्छा विश्वास है, तो निश्चित रूप से विश्वास ही हमें हमारी जीत की तरफ बढ़ाएगा। कांग्रेस का ये कहना कि जो फिलहाल 1000 रुपए का सिलेंडर उसको हम 500 का देकर हमारी सरकार आता है, तो उसमें आप कितना सहयोग मानने की कांग्रेस इस तरह का नारा देकर चलेगी? उनसे पूछा जाए राजस्थान में कर दिया है क्या, उनसे पूछा जाए छत्तीसगढ़ में हो गया है क्या, पंजाब में कर हो गया है क्या, महाराष्ट्र में हो गया है क्या, जहाँ जहाँ उनकी दो तीन राज्यों में सरकार है वहाँ पहले करा, उसके बाद बताएं। कांग्रेस हरियाणा प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी को बता रहा है, तो कितना सामना इसका मानते हैं? अब वो तो वही बताएंगे, मेरे सामने तो पहले भी लड़ चुके हैं। बिल्कुल, ये था हमारे साथ भाजपा से इस बार पांचवी बार के प्रत्याशी है, जो कि उन्होंने नामांकन प्रक्रिया पूरी की है और इस बार उनका साफ तौर कहना है कि विकास इस बार जिस तरह से हमने किया है, तो कहीं ना कहीं विकास की और लेयर हरिद्वार में लेकर आएंगे। कैमरा पर्सन के साथ विकास करे, जनता टीवी हरिद्वार।